शिवपाल यादव ने कहा, सरकार बनी तो हर घर से एक बेटी और एक बेटे को देंगे नौकरी। उनकी पार्टी का जिस दल से गठबंधन होगा वही बनाएगा सरकार। वैज्ञानिकों ने mRNA तकनीक पर वैक्सीन किया तैयार, दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण को मिली अनुमति। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भूपेश बघेल ही रहेंगे राज्य के मुख्यमंत्री, ढाई साल के बंटवारे को लेकर कोई चर्चा नहीं। अफगानिस्तान संकट के बीच काबुल से लौटे संभल के दो युवक बोले, भारतीयों से होता है भेदभाव, पाकिस्तानियों का होता है स्वागत। संगम नगरी से मध्य प्रदेश के लिए 7 और बस सेवा हुई शुरू, कोरोना फैलने पर कर दी गई थी बंद। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा तंत्र दुरुस्त करने में जुटी मोदी सरकार, ताकि देश के दुश्मन दोबारा फन नहीं उठा सके। बदलते मौसम के बीच डेंगू मलेरिया ने जनपद में दी दस्तक, मथुरा में बुखार का कहर, अलीगढ़ में भी अलर्ट जारी, बुखार से 5 महिलाओं की हुई मौत। पीलीभीत में शारदा कटान से ग्रामीण इलाकों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम जारी। भारतीय मौसम विभाग IMD की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व से पश्चिम तक चक्रवाती हलचल, उत्तर दक्षिण में जारी रहेगी बारिश। भाजपाइयों ने दी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि, कहा हमेशा महसूस होगी उनकी कमी, बैनीगंज कार्यालय में हुआ श्रद्धांजलि का आयोजन। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर सरकार पर हमलावर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली, 70 साल में राहुल के नेतृत्व वाले अमेठी को जिला अस्पताल भी नहीं मिला। पंजाब सरकार का बयान, सिद्धू खेमे की बैठक में शामिल 6 विधायक समेत कई नेताओं ने कैप्टन पर जताया भरोसा। वाराणसी में मौसमी बीमारियों के साथ डेंगू ने पसारे पांव, अस्पताल में बाढ़ हुए फुल, ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स के लिए उमड़ रही भीड़। इंदौर में नाम पूछकर चूड़ी विक्रेता को पीटने के मामले में 4 युवक हुए गिरफ्तार, सड़क पर उतरा हिंदू जागरण मंच, विरोध प्रदर्शन हुआ जारी। आरक्षण में ज्यादा गरीबों को प्राथमिकता देने की अधिसूचना हुई रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहचान का आधार सिर्फ आर्थिक नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत, 20 लाख महिलाओं को मिलेगा फायदा। कोरोना के बाद अब डेंगू ने बढ़ाई टेंशन, मथुरा में 7 लोगों की मौत से मचा हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग को सैंपल की जांच में तेजी लाने के दिए निर्देश। बरेली सपा महानगर अध्यक्ष बोले, जिला पंचायत चुनाव में साथ रही जनता, 2022 में देगी प्रचंड बहुमत। नगर निगम चुनाव जीतने की बनी रणनीति, दिल्ली सरकार के खिलाफ आक्रामक होगी भाजपा, जनता की समस्याओं को उठाकर सरकार को करेगी कटघरे में खड़ा। पंजाब में जारी गन्ना किसान आंदोलन के आगे झुकी कांग्रेस सरकार, गन्ने के भाव पर बनी सहमति, आंदोलन हुआ खत्म। देखते रहिए TV भारती समाचार, नजर हर खबर पर।